के सामने जल बगल भय करे नूर हो, मुन किरण का विसर का ऋषक दूर हो। करके तब्दील करके तब्दील एक दिन लिबासे बशर, करके तब्दील एक दिन लिबासे बशर। दोनों आलम के सरकार यही दिखाना चाहता था आपको, यही दिखाना चाहता था। ये मैं आपको सच्चों के साथ पैसा नहीं दिखाना चाहता था। देखिए स्टेट वाले को जब बात समझ आती है तो फिर अपने जज्बे को संभाल नहीं पाते हैं, वो इजहार कर बैठते हैं कि चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सर का भी आ जाइए। अच्छा एक बात याद आए, कयामत के दिन, कयामत के दिन जब पूछा जाएगा जश्न रबी अव्वल मनाने वालों से, तो उस वक्त मैं खड़ा होऊंगा सहाबा के साथ। किसके साथ? सहाबा के साथ। जरा तवज्जो कीजिएगा, अब वो सहाबा है, अब कोई वहाबा, वो सहाबा है कोई वहाबा है, लेकिन देखिए सहाबी आजाद देता है माइक से। कितना बड़ा बिदअती हो गया, कितनी बड़ी बिदअती काम किया। अरे सहाबा के साथ खड़ा होने वाला माइक से अजान नहीं, बगैर माइक से अजान देता है। समझ रहे कि नहीं समझे क्या? अब फिर आते हैं एक बार, सहाबा पढ़ते थे बगैर माइक के नमाज, सहाबा पढ़ते थे बगैर माइक के नमाज, और वही माइक लेके नमाज पढ़ता है। आप कहेंगे क्या आप ऐसा क्यों काम करते हैं? मैं उसका खिलाफ नहीं, क्योंकि हम बिदत के कायद हैं कि बिदत की दो अकसाम है, लेकिन जो एक अकसाम है मैं उनसे कहता हूं आजाद देने के वक्त माइक इस्तेमाल करना बिदत है, नमाज के वक्त माइक इस्तेमाल करना बिदत है, पैंट और शर्ट पहनना बिदत है, शादी ब्याह में गाड़ी ले जाना भी ले जाना बिदत है, और जाकर के किसी तख्त पर बैठना ये भी बिदत है, और अपने शादियों में जो रस्म रवाज के तौर पर फूल पत्तियां खरीदते हैं ये भी बिदत है। अब जो दो बिदत के कायल हो गए वो तो बच गया, जो एक हुए वो तो गड़ गए। अब किसके साथ खड़े होइएगा? तो आप देखते हैं कि सहाबा के साथ कौन है, देखते हैं सहाबा के साथ कौन है। तो आते हैं हजरत उमर फारूक के पास, जब हजरत उमर फारूक ने कहा कि अब 20 रिकात तरावी पढ़ी जाएगी, जो अलग अलग लोग पढ़ रहे हैं अब अलग अलग नहीं जमातों के साथ पढ़ी जाएगी। अबू बकर ने कहा ए उमर, रसूल पाक